हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर यहाँ पे डिलीट हो गया है और अब आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कभी कभी आपके फ़ोन से जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर डिलीट हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्ले स्टोर डाउनलोड। तो आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर डाउनलोड लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने प्ले स्टोर डाउनलोड लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, और ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी 55 MB में रहेगी। तो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा, बट यहाँ पे ये आपको बोलेगा फाइल माइट बी हार्मफुल करके। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये जो एप्लीकेशन है वो आप लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर डाउनलोड एनी वे पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ऐप है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर जो प्ले स्टोर है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने आपको डाउनलोड करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले से ही अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर डाउनलोड करके रख चुका हूँ, ओके, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।